आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा में लिस्ट जारी होने के पूर्व स्थानीय 11 उम्मीदवारों के द्वारा हाईकमान से चर्चा कर चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 स्थानीय उम्मीदवारों को मौका न देकर 2018 के चुनाव की तरह ही एक भारी प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया, जिसका स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के बीच जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र जीतू पटवारी के द्वारा उनके कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ जनों से बैठक की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पिछले 2018 के चुनाव में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर हाईकमान से चर्चा की गई थी, लेकिन उन्होंने भैरव सिंह परिहार के बेटे महेंद्र सिंह परिहार को चुनावी मैदान में उतारा था। परिणाम ये रहा था कि उसे समय भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राणा विक्रम सिंह के द्वारा बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस पार्टी को 27,000 वोटों से अधिक हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाहरी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाने का विरोध चरम सीमा पर पहुँच चुका है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ हर युवा वर्ग परेशान है, बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। आज उनको रोजगार जैसी कोई भी पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, लेकिन कागज के मूल बिक रही है, मतलब उनका कोई मूल नहीं। और यहाँ के युवा वर्ग को एक आस है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और युवा वर्ग मेरी तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहा है कि जीतू भी अगर मैदान में होते तो दशा कुछ होगा। अभी आज जो बैठक आयोजित हुई थी, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या प्रस्ताव यहाँ पे सभी सर्वसम्मति से बनाए गए? यहाँ पे जो सभी की जो सर्वसम्मति से जो निर्णय हुआ है, ये सभी भाइयों का लगभग यही कहना है कि आप मैदान में आइए और हम आपके साथ। तो आप निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे, उसका कोई दिन तय या कुछ तय है? दिन तो क्या है, 30 तारीख लास्ट है, वैसा भी दिन मुहूर्त देख के हम निकाल के उसको क्लिक कर देंगे।